बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीरू सरपंच ने आज बादशाहपुर में शहरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बीरू सरपंच ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं बेहद हैं। यहां सीवर, पानी और जलभराव की बहुत समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो दिल्ली के मॉडल को गुरुग्राम में भी लागू किया जाएगा। बीरू जी, शहरी इलाके में पहुंचे हैं आप, शहरी इलाकों की समस्या को किस तरह से देख रहे हैं और क्या मानते हैं कि शहरी इलाके में भी बदलाव की लहर है? देखो, शहरी इलाके के अंदर लोग तो ये समझ के बैठे हैं अगर भाई इनके पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे देखने में आया यहाँ इतनी सारी समस्या है। सबसे पहले सीवर की है, बारिश के अंदर जो सारा जो सीवर की अब सफाई नहीं हो रही है, एमसीजी के इलेक्शन ना होने की वजह से जो सरकार ने अफसरों से जो सरकार चलाने का जो काम किया है वो कति सरासर गलत है। इस वजह से आप देखोगे तो कहीं भी सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई सफाई नहीं है। वैसे सफाई व्यवस्था जो कति खत्म पड़ी है, एक बारिश होते के साथ समुद्र के अंदर सारी गलियां भर जाती है, घर पाने जाने के लिए बड़े मजबूरी हो जाती है लोगों की, तो समस्या तो बहुत सारी है। ये थोड़ा एक ये जो सेक्टर में रहने लग गया तो उसकी समस्या सारी सरकार ने सोल्व कर दी, नहीं करी किसी ने, तो इसलिए फिर यहाँ आना भी जरूरी है। यहाँ अगर देखोगे तो अभी मेरी यहाँ जितनी भी सभा थी, सब आके अंदर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सबने बोला हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अभी बार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि शहरी जो वोटर है, कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी के पास जाता है, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को शहरी वोटर पसंद करता है, तो क्या गुरुग्राम में भी उस मानते हैं कि इसी तरह का माहौल बनेगा शहरी वोटर्स में? देखो, जो पार्षद का चुनाव होता है, जो एमएलए का जो चुनाव होता है, ये लोकल लेवल का ज्यादा चुनाव, तो इसमें लोकल लेवल के ऊपर कैंडिडेट को ज्यादा पसंद करते हैं। कौन कैंडिडेट हमारे बीच का है, कौन हमारे बीच में रहने वाला है, कौन हमारे काम करने वाला है, कौन हमारी सुनने वाला है, इन सारी चीजों को देखकर ना कैंडिडेट के ऊपर वोट मिलते हैं। जैसे दिल्ली में मिली है, इस तरह हरियाणा के अंदर भी जो शहरी वोटर है वो केजरीवाल जी को पसंद भी कर रहे हैं और उसकी वोट देने की बात भी कर रहा है। वो कहता है जो जनता ने जो टैक्स दिया है, उस जनता के दिए हुए टैक्स को वापिस देना ही सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो ईमानदार आदमी है, तो ईमानदार पार्टी की सरकार भी उसकी वोट आनी। क्या मानते हैं कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, शहरी वोटर्स वोट जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ क्या वोट के इस्तेमाल ही हो रहा है शहरी वोटर्स का, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? शहरी वोटर को तो सिर्फ लूटने का काम कर रखा है पहली सरकारों ने। बताओ, एक बात चीज बताओ, उन्होंने सारी चीज अपने पैसे से की है भाई, मकान के अंदर रह रहे हैं तो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज जो दे के अपने जो रोड बनी है वो सारी ईडीसी आईडीसी सब ने जमा कराई है, उसके बावजूद उनसे प्रॉपर तरीके से जितनी भी उनकी कमाई है, कमाई के ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है, जीएसटी के रूप में भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला उसके बदले में। ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बढ़ाया सरकार ने, जो अपने बच्चों को सरकारी उसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ा के उनको डॉक्टर बनाने का काम करे, ऐसे ना कोई लॉ कॉलेज बनाए सरकार ने जिसमें वे सोचा बड़े बच्चों को वकील बना ले। वही स्थानीय निवासियों ने भी इस दौरान अपनी समस्याओं को बीरू सरपंच के समक्ष रखा। लोगों ने भी कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में विकास कार्य कराए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार वह बदलाव चाह रहे हैं।